भारत के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने छोटे शहर से निकलकर क्रिकेट की बड़ी बड़ी बुलंदियों को छूने के लिए एक बहुत ही संघर्षपूर्ण सफर तय किया। महेंद्र सिंह धोनी ने जिसे भी छुआ वो सोना बन गया। ये धोनी ही थे जिन्होंने अनहोनी को होनी कर दिया। हालांकि शुरुआती सफर उनके लिए उतना आसान नहीं था। शुरू में धोनी अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर थे और अपने कोच की सलाह पर वे क्रिकेट में आ गए। अपनी शानदार विकेट कीपिंग के जरिए उन्हें एक लोकल क्रिकेट क्लब कमांडो क्रिकेट क्लब में खेलने का मौका मिला, जहां वह 1995 से लेकर 1998 तक खेलते रहे। वीनू मानकड़ अंडर 16 चैंपियनशिप में उन्होंने शानदार खेल दिखाया। उनकी बैटिंग और विकेट कीपिंग दिन भर दिन बेहतर होता जा रहा था। जल्द ही वे बिहार रणजी टीम का हिस्सा बन गए। 2001 में उन्होंने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर की सरकारी नौकरी की। हालांकि उनका असली सपना क्रिकेट में जाना ही था। उन्हें सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब 2003 में उन्हें इंडिया टीम में चुन लिया गया और वो त्रिकोणीय सीरीज खेलने केन्या गए, जहां पाकिस्तान की टीम भी आई थी। इस सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। घरेलू क्रिकेट में भी वे शानदार प्रदर्शन करते रहे, जिसके चलते 2004-05 में उन्हें बांग्लादेश जाने वाले टूर में शामिल कर लिया गया। अपने पहले ही मैच में वे दुर्भाग्य से 0 पर रनआउट हो गए। प्रारंभिक जीवन। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म झारखंड के रांची जिले में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी के बचपन के बारे में बताने से पहले उनके पिता के जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के पिता का नाम पान सिंह है, जो अल्मोड़ा जिले के तलासलाम गाँव में रहते थे। उनका गाँव अल्मोड़ा की सुंदर पहाड़ियों में बसा हुआ था, जहाँ तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं हुआ करती थी और इसके लिए केवल दुर्गम पहाड़ियों से ही पैदल जाया जा सकता था। पान सिंह के माता पिता खेती किया करते थे, लेकिन उन्होंने पान सिंह को पढ़ाया था। पान सिंह थोड़े बहुत पढ़े होने के कारण नौकरी की तलाश में लखनऊ चले गए। उसके बाद कुछ समय बिहार रहकर रांची आ गए, जहां उनको मकान में जूनियर मैनेजमेंट पोजीशन पर नौकरी करने लग गए। शुरुआती दिनों में उन्हें दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ी थी, लेकिन बाद में पदोन्नति हो गई थी। पान सिंह का विवाह नैनीताल में रहने वाली देवकी देवी से 1969 में हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ था। महेंद्र सिंह धोनी के एक बड़ा भाई नरेंद्र और एक छोटी बहन जयंती है। T20 वर्ल्ड कप 2007 और कैप्टनशिप डेब्यू पर वे जल्द ही इसे भुलाकर आगामी सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस किया। साथ ही पहली बार कप्तानी करते हुए पहले T20 वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब रहे, जिसके इनाम के तौर पर BCCI ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को बी से ए ग्रेड कर दिया और उन्हें ODI टीम का कप्तान भी बना दिया। क्योंकि जब तक 2007 के 50-50 वर्ल्ड कप से खफा राहुल द्रविड़ कप्तानी छोड़ चुके थे। इसी तरह 2008 में अनिल कुंबले के टेस्ट से संन्यास के बाद उन्हें फुल टाइम कप्तान बना दिया। उन्होंने बेहतरीन कप्तानी निभाते हुए पहली बार इंडिया को टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बनाया। वर्ल्ड कप 2011। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी का सबसे यादगार लम्हा 2011 का 50-50 वर्ल्ड कप रहा, जब उन्होंने मेजबान टीम होने के नाते वर्ल्ड कप को जीता। यह उनके चमकते करियर का सूरज का था, जो कभी डूब नहीं सकता। चैंपियन ट्रॉफी 2013। 2013 में उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जीतकर वर्ल्ड क्रिकेट के तीनों खिताबों को जीतने वाले दुनिया के एकमात्र कप्तान बनने का गौरव पाया। टेस्ट से संन्यास। इतने शानदार खेल के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने ढलते उम्र में क्रिकेट की रंगीन फोमेंट पर ही पूरा फोकस करने के लिए वाइट ड्रेस क्रिकेट से 2014 को संन्यास ले लिया। उपलब्धियां। 1. महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2007 के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2. 5 अप्रैल 2005 को महेंद्र सिंह धोनी को पाकिस्तान के विरुद्ध 148 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच पुरस्कार दिया गया। 3. पाकिस्तान के विरुद्ध 148 रन बनाने पर धोनी भारत के किसी विकेट कीपर द्वारा बनाए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 4. 31 अक्टूबर 2005 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में श्रीलंका के विरुद्ध धोनी ने अविजित 183 रन बनाए, जो विश्व के किसी विकेट कीपर द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर था। अतः उन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित किया और वह मैन ऑफ द मैच चुने गए। 5. 19 अप्रैल 2006 को ICC रैंकिंग में एक दिवसीय मैच में धोनी को एक नंबर रैंकिंग मिली। 6. धोनी एक दिवसीय मैचों में एक मैच में 10 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। 7. एक दिवसीय मैच में 15 चौके तथा 10 छक्के लगाकर धोनी ने 120 रन बनाने का कीर्तिमान बनाया है। 8. एक दिवसीय मैचों की ICC रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले धोनी प्रथम भारतीय क्रिकेटर हैं। 9. उन्हें 2006 में MTV तथा पेप्सी का यूथ आइकॉन चुना गया।
10 NDTV ने उन्हें 2006 के लिए यूथ आइकॉन नामांकित किया। 11 2007 में 20 ओवर्स की मैच श्रृंखला में भारत की टीम महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेली और फाइनल मैच में पाकिस्तान को हराकर विश्व चैंपियन घोषित हुई। महेंद्र सिंह धोनी की खेल शैली, उनके विकेटकीपर की अनोखी स्टाइल को कई क्रिकेट विद्वानों ने भी सराहा और उन्होंने अपनी विकेट कीपिंग से कई विश्व रिकॉर्ड्स भी बनाए। धोनी एक आक्रामक दाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेटकीपर है। धोनी साधारणतः मध्यम वर्ग के बल्लेबाज है, लेकिन मैच की दशा और दिशा देखकर वे अपने बैटिंग स्टाइल को बदलते रहते हैं, क्योंकि एक कप्तान की तरह ये उनकी जवाबदारी है। वो एक शक्तिशाली हीटर और सबसे तेजी से रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक है। निश्चित ही धोनी आने वाले युवा खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत है। ऐसा नहीं है कि धोनी शुरुआत से ही क्रिकेट जगत में सफल होते गए, उनके सामने कई चुनौतियां आई। कप्तान बनने के बाद कई बार लोगों ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन उन्होंने उन आलोचनाओं की ओर ध्यान न देते हुए अपने खेल को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास किया और पूरी भारतीय टीम को विश्व में प्रथम स्थान पर ला खड़ा किया और आज वे पूरे भारत के चहेते बन गए हैं। विवाद, वालकॉफ भारत के 2006 के वेस्ट इंडीज दौरे के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन एंटीगुआ मनोरंजन ग्राउंड सेंट जोन्स एंटीगुआ में धोनी ने देव मोहम्मद की गेंद पर डेरन गंगा ने मिड विकेट क्षेत्र में कैच लिया। जब बल्लेबाज वापस आने लगे, कप्तान द्रविड़ ने पारी घोषित कर दी, क्योंकि अंपायर भी साफ नहीं थे कि क्षेत्र रक्षक ने रस्सी पर पैर रखा या नहीं और धोनी अंपायर का फैसला के लिए खड़े रहे। हालांकि रिप्ले अनिर्णायक थे, फिर भी वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान ब्रायन लारा अपने क्षेत्र रक्षक के कथन पर धोनी को वापस भेजना चाहते थे। मैच 15 मिनट तक रुके रहे और लारा अपना गुस्सा दिखता हुआ उंगली से अंपायर के खिलाफ प्रदर्शित कर रहे थे और अंपायर रसद रऊफ से गेंद छीन ली। अंततः धोनी चले गए और द्रविड़ की घोषणा पर अमल हुई, लेकिन खेल में देरी हुई और लारा की हरकतों को टिप्पणीकारों और पूर्व खिलाड़ियों ने आलोचना की थी। लारा को उसके कार्यों के सफाई के लिए मैच रेफरी ने बुलाया, लेकिन मैच रेफरी के द्वारा जुर्माना नहीं किया गया था। घर टूटा। 2007 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश के खिलाफ हारने पर धोनी के निर्माणाधीन घर को रांची में JMM के राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़ एवं क्षतिग्रस्त कर दिया गया। स्थानीय पुलिस ने उसके परिवार के लिए सुरक्षा व्यवस्था की, क्योंकि विश्व कप के पहले दौर में भारत उत्तेजित हो गया था।